Good noon everyone, I am your science teacher Satya Bhama from Happy Campus School. Students, today we will start our new chapter, lesson number 9, Soil Erosion and Conservation, यानी कि मिट्टी का कटाव या मिट्टी का अपरदन और उसकी संरक्षण, मृदा का संरक्षण. देखिए, आपने देखा है ना कि मिट्टी का कटाव से मतलब है बच्चों कि जब हमारे जो टॉप लेयर होती हैं, ठीक होती हैं, जो हमारे जब उस टॉप लेयर पे से जब मिट्टी जो होती है, जब वो बहकर हवा के साथ, ठीक है, या पानी के साथ जब वो मिट्टी हट जाती है, क्योंकि वो ऊपर की जो परत होती है वो क्या होती है बच्चों, वो उपजाऊ होती है. किसी भी कारण से अगर वो मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी वहाँ से हट जाती है, तो सोचिए कि वहाँ की ज़मीन फिर कैसी हो जाती है, बंजर हो जाती है, ठीक है. और बाकी हम आगे और जानेंगे कि आखिरकार जो सोइल एरोजन है, यानी कि मिट्टी का जो कटाव है या अपरदन है, वो क्यों होता है और किस कारणों से होता है. चलिए, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द सोइल. आप सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की परत है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, जो कि मिट्टी से बनी हुई है. इट इज़ वेरी असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें पौधों को बड़ा करने में. इट प्रोवाइड्स मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स एंड वाटर टू द प्लांट्स, यानी कि ये हमें क्या देती हैं, ये हमें मदद देती हैं मिनरल्स की, खनिजों की, ऑर्गेनिक मैटर्स की, साथ साथ हमें पानी की, ठीक है. ये इससे हमें मिलता है, पौधों को पानी सब चीज़ों से मिलता है, क्योंकि मिट्टी में मिलता है. आपको पता है सब चीज़ें कहाँ मिली होती हैं, मिट्टी में होती हैं, और फिर वहीं से प्लांट जो है इन सब चीज़ों को अब्सॉर्ब करते हैं. द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड ऑफ हार्ड रॉक, यानी कि जो पृथ्वी की जो ये ऊपरी परत है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वो बहुत ही हार्ड चट्टानों से बनी होती हैं. सोइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू टाइनी पीसेस, यानी कि जो ये मिट्टी होती है, मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी बनती है जब जो रॉक चट्टाने होती हैं उसके टूटने से. चट्टाने क्या होती हैं, जब वो गिरती हैं धीरे धीरे वो टूटती हैं, और टूट करके वो बहुत ही बारीक कणों के अंदर बदल जाती हैं, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है. लेयर्स ऑफ सॉइल, देयर आर थ्री मेन लेयर्स ऑफ सॉइल, यानी कि हमारी जो मुख्य तीन परतें होती हैं मिट्टी की. पहली होती है टॉप सॉइल, सेकेंड है सब सॉइल, एंड थर्ड है बेड रॉक. The टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल, यानी कि मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत है वो कहलाती है टॉप सॉइल. इट इज़ ओनली अ फ्यू इंचज थिक, यानी कि सिर्फ कुछ ही इंचज थिक मोटी होती है. एंड इज डार्क कलर्ड, और ये गहरे रंग की होती हैं. इट इज़ सॉफ्ट एंड मेड अप ऑफ लूम एंड ह्यूमस, यानी कि लूम और ह्यूमस से बनी हुई होती हैं. इट कंटेन्स एयर फॉर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, इसके अंदर हवा भी होती हैं जिसका इस्तेमाल प्लांट्स के लिए किया जो कि पौधे करते हैं. पौधों को भी तो हवा चाहिए ना, जब वो बीज बोते हैं ज़मीन में. हम द रूट्स ऑफ द प्लांट ग्रो इन द लेयर, और जो पौधे की जो जड़ें होती हैं वो इसी परत में पनपती हैं, बड़ी होती हैं. इट गिव्स नरिशमेंट टू द रूट, यानी कि ये जो मिट्टी होती है, ये जो मिट्टी होती है यही हमारी जो जड़ें होती हैं पौधों की, उन्हें नरिशमेंट देती है, उन्हें पोषक तत्व देती हैं. द नेक्स्ट लेयर इज़ द सब सॉइल, और जो अगली परत होती है वो होती है हमारी सब सॉइल होती है. इट इज़ थिकर एंड हार्डर दैन टॉप सॉइल, यानी कि ये थिकर होती है, यानी कि थोड़ी सी मोटी होती है, और टॉप सॉइल के मुकाबले ये हार्ड होती है, ठीक है. फिर है इट इज़ मेड अप ऑफ सैंड एंड पैबल्स, यानी कि यह रेत और पैबल से बनती हैं, छोटे पत्थरों से बनी हुई होती हैं. इट इज़ ए लाइट कलर्ड लेयर, यानी कि हल्के कलर की परत होती हैं, ऑफन रेड और ग्रे, यानी कि ज़्यादातर ये कैसी होती हैं, रेड और ग्रे कलर की होती हैं, ठीक है. बिलो द सब सॉइल इज़ द बेड रॉक, यानी कि अब सब सॉइल के नीचे कौन सी आती हैं, बेड रॉक आती हैं. इट इज़ द पेरेंट लेयर, यानी कि यह एक पेरेंट लेयर होती है, यानी कि फिर है फॉर एग्जाम्पल इट फॉर्म्स द सॉइल, यानी कि इससे सॉइल्स बनती हैं. रेन वाटर पासिस इंटू दिस लेयर, यानी कि जो पानी की बारिश का पानी होता है वो उसी से निकलता है, इंटू दिस लेयर, इसी में से गुजरता है. एंड कलेक्ट इन द स्पेस बिटवीन द रॉक, और चट्टानों के बीच में वो क्या होता है, वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है. द लोअर लेयर इज़ हार्ड एंड नॉन पोर्स,
देखिए अब जो नीचे वाली जो होती है वो सबसे वो कैसी होती हैं, वो होती हैं हार्ड होते हैं, उसमें किसी भी तरह के पोर्स नहीं होते हैं, पोर्स वो छोटे से जो होल होते हैं वो उसमें कुछ भी नहीं होते हैं। अब देखिए काइंड्स ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी के भी प्रकार होते हैं। सॉइल इज़ ऑफ मैनी काइंड्स यानी कि सॉइल जो होती है वो कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। सॉइल जो होती है वो कितनी कई प्रकार की होती है। डिफरेंट प्लेसेस इज डिफरेंट यानी कि विभिन्न प्लेसेस में विभिन्न तरह की होती हैं। द मेन टाइप ऑफ सॉइल्स आर जो मेन टाइप जो ज़्यादा खास मुख्य रूप से सॉइल है वो है ग्रेवल, सैंड, क्ले और लूम, ये सॉइल्स हैं, ठीक है। ग्रेवल इट इज़ मेड अप ऑफ बिग पीसेज ऑफ रॉक यानी कि जो ग्रेवल सॉइल्स होती है वो किससे बनी होती हैं, ये होती है बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े होते हैं, ठीक है क्लास। तो आज मैं आपको सिर्फ पेज नंबर 64 तक ही पढ़ाऊँगी, ठीक है। बाकी का जो है मैं चैप्टर आपको मैं कल पढ़ाऊँगी। तो क्लास आज आपसे बच्चों को पेज नंबर 64 रीड करना है। थैंक यू क्लास।